आंध्र प्रदेश स्टेट में जो राज्य में अभी जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मंदिर मठ मंदिरों का तोड़ना फोड़ना और वहाँ का जो रथ को भगवान माना जाता है उसका भी जलाना है और मूर्तियों को तोड़ना, रास्ते पे जो भगवान की आस्था से जो मूर्ति का प्रतिष्ठा करता है उसको तोड़ना, ये सब आंध्र राष्ट्र में अभी 1.5 साल से लगभग हर दिन एक ना एक संगठन ऐसा होते ही जा रहा है। तो इसके बीच में एक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक मिनिस्ट्री की जो माध्यम से होती है, सीमा में होती है, वहाँ एक मिनिस्टर कोडाली नानी नाम से एक मिनिस्टर, उसकी जो जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी जो है, उसका जो भाषा, जो बोलने की ढंग जो है, उसके पीछे कुछ षड्यंत्र, बहुत पूर्व षड्यंत्र पूर्वक ये सब काम चलने का ऐसा जो वातावरण दिखाई दे रहा है उसको हम खंडन कर रहे हैं। और आल्सो भी और हम ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी का सामने ये खड़ा कर रहे हैं कि आप ये हिंदू समाज के लिए एक भरोसा दिलाइए कि आने वाले दिनों में इसका जिम्मेदारी हम लेंगे, आप लोगों का रक्षा हम करेंगे, क्योंकि आपको मानकर जो हिंदू समाज ने वोट दिया, आपको आपके लिए मतदान दिया है, उन लोगों की मतदान से आप 185 कम से कम 75 सीट में 151 सीट आपने जीता है, उनमें से 150 सीट हिंदुओं का मदद से आप जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे, तो उन लोगों का नष्ट पहुंचाने में आपकी जो सरकार, सबका दिल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सरकार लगी है हिंदुओं का नष्ट पहुंचाने में, पूरा दिन और रात काम कर रही है ऐसा, तो आप ये संदेश मत भेजिए, आप आकर के प्रेस मीट में आप बोलिए, हिंदू समाज को भरोसा दीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। चरित्र जाने बिना जो बात कर रहे हैं ना, वो चरित्रहीन है, जो चरित्र को अनजान होकर जो बात करता है वो अज्ञानी पाखंड है, वो तो चरित्रहीन है कहला जाता है। जो अभी जो TTD चेयरमैन जो है वो उन्हीं का पार्टी का जगनमोहन रेड्डी का काका है स्वयं, वो बोलता है खुद डिक्लेरेशन चलना ही पड़ेगा, ये कहीं बोलता है वो बेवकूफ़ी या अकलमंदी है, वो बोलता है डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा, अरे इनको चर्चा की क्या बात है, अगर आपको चर्चा रखना है मस्जिद के बारे में रखो या चर्च के बारे में रखो या कुछ गुरुद्वारा के बारे में चर्चा रखो, हिंदुओं का संबंधित विषय में आप चर्चा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे लिए चर्चा की ज़रूरत नहीं, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो विधि विधान है, हम निर्णय करेंगे, हम करेंगे, आप कौन है चर्चा करने का, आपकी क्या इसमें उत्तरदायित्व है। ज़रूर CM जगनमोहन रेड्डी जी अगर वो अपने आप को किरिस्तानी मानता है तो वो मत को ना धोखा दे, वो सच्ची दिल से वो डिक्लेरेशन में लिखा जाए कि मैं किरिस्तानी होने के नाते भी मैं चुनाव में लड़कर इतनी सारी करोड़ों लोगों की आस्था से, मेरा मतदान से मैं इस स्थान पे पहुँचाऊँ, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान की, जो चढ़ाना है ये सब हम चढ़ाएंगे, आधारपूर्वक मर्यादापूर्वक गौरवपूर्वक हम चढ़ाएंगे, वो डिक्लेरेशन में देने से उसका स्थान, उसका जो स्थाई जो है वो नहीं उतरेंगे, वो बहुत ऊंचे उठेंगे। जैसा कि हमारा अब्दुल कलाम जी का, उनकी जो चरित्र देखिए, वो प्रेसिडेंट टर्न्यूर होने के बाद वो एक्स प्रेसिडेंट, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, अध्यक्ष भारत देश की, तब वो 2009 में तिरुपति आने के बाद भगवान की प्रति जो आस्था है, वो भगवान दर्शन के लिए आया था भगवान की, उस समय मंदिर के द्वार के सामने खड़ा होकर के, द्वार प्रवेश नहीं किया, वो डिक्लेरेशन मंगवा करके खुद वो डिक्लेरेशन दिया है, ताकि मैं भगवान को मानता हूँ। वो जब इतना बड़ा जो व्यक्तित्व आपके सामने खड़ा किया है आदर्श, आप उसको आदर्श मान के आप चलिए, आप भी बड़ा होंगे, आपका बड़ापन को कोई उतारने वाला कोई नहीं है, आप भी बड़ा हो जाएंगे, आपका भी इज्जत रहेंगे, आदर रहेंगे। ये वीडियो कनका मीक नचने देते लाइक चेंडी, शेयर चेंडी, सब्सक्राइब चेंडी।